आर्थिक रूप से संपन्न होना कौन नहीं चाहता। यदि हमारी तमाम मेहनतों के पश्चात भी हम यदि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं तो हमें शनि के मैनेजमेंट को समझना होगा, और शनि के मैनेजमेंट को समझ करके हम बहुत ज़्यादा अपार धन प्राप्त कर सकते हैं, यह प्रूफ करता है यह वीडियो। यदि आप मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं, तो आपके लिए ही यह वीडियो बनकर के सामने आई हुई है। आप निश्चय मानिए कि यहाँ पर एक क्षण भी आपका हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे, बस आप हमारे साथ इस सफर में बने रहें। आइए प्रारंभ करते हैं। मकर राशि के लिए जो सबसे इस भाव के देवता हो गए, मकर राशि के जो स्वामी हो जाते हैं, वो स्वयं हो गए शनिदेव। अब शनिदेव यहाँ पर दो भाव के स्वामी स्वामित्व को लेकर के बैठे हुए हैं। एक तो आपके लगन के स्वामी हो गए, आपके राशि के स्वामी हो गए, और दूसरा आपके धन के स्वामी भी शनिदेव हो गए। तो इसलिए आपके जीवन में सर्वाधिक शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इस मकर लगन मकर राशि में यदि आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर शनि अभी जो आपके तीसरे भाव पर शनि का ट्रांजिट है, जहाँ पर ये शनिदेव हैं, आपके दूसरे भाव पर शनि का ट्रांजिट अभी चल रहा है, जो कि ठीक 17 जनवरी सन 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक के शनिदेव और कहीं नहीं जाने वाले आपके धन भाव पर रहेंगे। अब जब शनि जैसा महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि का स्वामी ग्रह आपके धन भाव पर आ जाए तो कैसे आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है, आप ये समझिए, कर ही नहीं सकता। आपको संपन्नता देने के लिए ही शनिदेव आए हुए हैं। बस आपको करना क्या है, आपको यही करना है, शनि के मैनेजमेंट को समझना है। कौन सा मैनेजमेंट है वो जो शनि आपको प्रदान करने वाले हैं, और उस मैनेजमेंट को समझकर उसे मैनेज करके उस भाव को यदि हम मैनेज कर लेते हैं तो निश्चय मानिए आपका धन कई गुना बढ़ने वाला है। देखते हैं इस बात को। शनिदेव यहाँ बैठे हैं, आपको ये बता दें कि धन के कारक कौन हो गए, तो धन के कारक हो गए शुक्राचार्य, आप ये मानिए। और हमारे जीवन में कर्म के देवता कौन हो गए, तो कर्म के देवता हो गए शनिदेव, और मकर राशि के स्वामी भी हो गए शनिदेव। तो इसलिए कर्मों के देवता शनिदेव और धन के देवता शुक्र जी, क्योंकि आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो आपको धन भाव के स्वामी शुक्राचार्य ही दिखेंगे। जब आप शनि को प्रसन्न करते हैं तो शनि के लिए कहा जाता है कि शनि राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। शनि धन भाव पर आए हैं तो क्या रंक हैं आप जो आपको राजा बना दे, या आप राजा हैं जो रंक बना दे, दोनों ही स्थिति में आप राजा ही बनने वाले हैं। धन के स्वामी धन पे आए हैं, भाई इससे ज़्यादा अनुकूल कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए मकर राशि के लोग, आपके लिए शनि देवता एक वरदान लेकर के आए हैं। भूल जाइए कि आपको शनि की 7:30 ही प्रारंभ है, भूल जाइए कि आपको शनि का नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। मैं यदि अपने घर में, आप स्वतः ही इस बात को सोचिए ना कि जब आप अपने घर पे रहेंगे तो कैसे अपने घर को आप जो है वो प्रताड़ित करेंगे, कैसे अपने घर को आप असुरक्षित रखेंगे। आप तो यही चाहेंगे कि मेरा घर सदैव सजा संवरा रहे, मेरा घर सदैव सुखपूर्वक रहे। और इसी मंगल कामना को देते हुए शनिदेव भी यहाँ पर आपके घर को सजाने के लिए आए हैं, आपके कुटुंब को सजाने के लिए आए हैं, आपके धन को बढ़ाने के लिए आए हैं। इस शनि के मैनेजमेंट को समझने के लिए हमने समझना होगा शनि के दृष्टियों को। तो 1, 2, 3 शनि की जो पहली दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है आपके चतुर्थ भाव पर। मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पर बैठे हैं मैनेजर, तो जो मैनेजर होते हैं वही मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट किसका चलता है, तो मैनेजर का चलता है। तो मैनेजमेंट कहाँ है, मैनेजर का अर्थात शनि देवता का, तो आपके चतुर्थ भाव पर। तो चतुर्थ भाव पर आपको अब उनका मैनेजमेंट तो चतुर्थ भाव पर आ गया, आपको काम करना है चतुर्थ भाव पर। मतलब आपको मैनेज करना है अपने चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव का है का, चतुर्थ भाव हो गया आपके जीवन में आपके भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, आपकी माँ का, आपके नेटिव प्लेस का, आपके परिवार का। तो आप यदि इन भावों से जुड़ करके अपना कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न होने वाले हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने शनि देवता को वरदान दिया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर, अपने कर्म जो आपके द्वारा प्रदत्त है अर्थात शनि के द्वारा प्रदत्त है, उस कार्यों को जो व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन में मैं धन की वृद्धि करता हूँ। अब
तो आपको करना क्या है, तो भूमि भवन वाहन मकान अपने अपने जन्म स्थान अपने नेटिव प्लेस से जुड़ करके आपको काम करना होगा, अपनी माँ से संबंध अच्छा रखना होगा क्योंकि ये मातृ स्थान है। तो यदि शनि के मैनेजमेंट को हमने मैनेज कर लिया तो हमारे जीवन में धन कैसे नहीं बढ़ेगा। यही वो स्थान है जो आपके प्रॉपर्टी के, अपने प्रॉपर्टी को मैनेज कीजिए। यदि ऑलरेडी प्रॉपर्टी संबंधी कोई बाधाएं चल रही हैं, कोई तनाव चल रहा है, आपस में कोई कोई डिस्प्यूट चल रहा है सामने वाले के साथ, तो उसको उस पर उसको आप काम करने की आवश्यकता है। आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं उस कार्य को, इसको देखने की आवश्यकता है। और जब आप उसमें अपना कार्य करते हैं, उसमें अपना ध्यान लगाते हैं, तो निश्चय मानिए आपका यह भाव एक्टिवेशन में आ जाएगा और आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा। बात करते हैं अगले शनि की दृष्टि की, जो कि सातवीं दृष्टि शनि की है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। जब भी अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि जाए तो यहाँ पर यह भी समझ लेंगे कि धन हमारे धन की फसाहट का स्थान है। तो बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का पैसा कहीं फंस जाता है। हमने पैसा तो लगाया अच्छे कार्य पर, अच्छा समझकर किसी को दिया, परंतु पैसा हमारा वहाँ फंस गया, जिसके कारण हुआ ये कि हमको टाइम पर पैसा रिकवरी नहीं हुआ और हम स्वयं आर्थिक संकट से घिर गए। अब यहाँ पर शनि की प्रभाव का अष्टम भाव पर आना पैसे को फंसा देना है। जहाँ से हमको पैसे प्राप्त होने थे वहाँ से पैसे जो देखेंगे डिले होने का होना प्रारंभ हो गया है। तो आप ये समझिएगा कि अष्टम भाव है काहे का, अष्टम भाव है आपके जीवन में परिवर्तन का। तो शनि देव की जब दृष्टि है तो शनि में तो मैनेजर का मैनेजमेंट कहाँ है, तो मैनेजमेंट है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या का है, तो अष्टम भाव परिवर्तन का है। तो आपको मैनेज क्या करना है, काम कहाँ करना है, तो परिवर्तन में करना है। आपके जीवन में परिवर्तन होगा, अब उस परिवर्तन भाव पर आपको अपना काम करना है। कैसे कर सकते हैं, अष्टम भाव है आपके जीवन में गुप्त विद्याओं का, आपके जीवन में कुछ पीड़ाओं का, आपके जीवन में कष्टों का स्थान भी अष्टम भाव को माना गया है। इसे एक्टिवेशन में लाने के लिए आपको ऑकल्ट साइंस, धर्म कर्म, ज्योतिष में आप देखेंगे ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ जाना और इन पर इंटरेस्ट आना, कोई टोटका, कोई पूजा पाठ, इसमें देखेंगे अचानक से आपकी मन ज़्यादा लगने लगी है। मतलब क्या है, आपका आठवां भाव एक्टिवेशन में आ गया है और बस यही करना है। जब ये एक्टिवेशन में आ जाएगा तो आप ये समझे कि आपने शनि के मैनेजमेंट को आपने पूर्ण कर लिया और आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल गया है। हालांकि अभी अंतिम में एक उपाय भी बताएंगे, तो उसमें उसे करके आप इस भाव को एकदम इजली एक्टिवेशन में ला सकते हैं, परंतु अभी समझना है अष्टम भाव को। अष्टम भाव ही आपके जीवन में एक ऐसा है कि आप जिस पथ पे जा रहे हैं अचानक से वहाँ पर रास्ते में एक रोड़ा अटक गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ तो रुकावट आ गया, हम आगे कैसे बढ़ें, परंतु ये समझिए कि यही भाव परिवर्तन का भाव है, इसलिए आपको वो रास्ते में अड़चने नहीं आ रही हैं। आपको आपके देवता, आपके ग्रह आपको रास्ता बदलने के लिए बोल रहे हैं, भाई यहाँ से रास्ता जा रहे हैं, सामने पत्थर है तो आप बदल के जाइए। ये रास्ता हो सकता है आपके लिए मुश्किल भरा हो, ये रास्ता लंबा हो, परंतु आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इस बात को समझेंगे। बात करते हैं शनि की दसवीं दृष्टि की। तो ये सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, शनि की दसवीं दृष्टि आ गई है आपके ग्यारहवें भाव पर। ग्यारहवां भाव कहेगा, ग्यारहवां भाव है आपके लाभ का, आपके प्रॉफिट का, आपके कामनाओं की पूर्ति का। तो जब शनि जैसा ग्रह आपकी कामनाओं को पूर्ति करने पर आ जाए तो भाई ये तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं। तो अब हमारे जीवन में हमारी कामनाओं के भाव पर आए हैं, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आए हैं, तो कैसे हमें रंक बना करके छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर हमें राजा जरूर बनाएंगे शनिदेव। इस भाव को एक्टिवेशन में कैसे लाना है जिससे हम अपार धन प्राप्त कर सकें, तो ये है सामाजिक कार्यों का। आप सामाजिक कार्यों से जुड़ करके काम कीजिए, आप देखेंगे कि आप कुछ ज़्यादा आप सोशल हो भी गए हैं जब से शनि का ट्रांजिट हुआ 17 जनवरी से, और नहीं हुए हैं तो आप सामाजिक कार्य में जुड़ने का प्रयास कीजिए। लोगों के मध्य जुड़ करके यदि आप काम करते हैं आप देखेंगे आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। यही वो स्थान है जो आपके इच्छाओं का स्थान है। तो जो आपके इच्छा हैं, जो अभी तक जो इच्छाएँ आपकी बनी हुई हैं और जो दबी हुई हैं, सोच तो रहे हैं आपकी बहुत दिनों से मुझे इस इच्छा को जागृत करना है, कैसे पूरा करूं, परंतु कोई एक सही वे नहीं मिल पा रहा है, एक सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो अभी वो रास्ता आप चुन लीजिए।
यकीन मानिए, जब आप एकादश भाव के कारक तत्व को उस भाव को एक्टिवेशन में ले आते हैं तो आपको अपार धन देने से कोई नहीं रोक सकता। अब इन तीनों के भाव को आपने समझा, अब क्या कोई ऐसा कोई उपाय, छोटा उपाय, जिन छोटे से उपाय से भी हम इन ग्रहों को इस शनि के द्वारा जो मैनेजमेंट हमें दिया जा रहा है उसके द्वारा हम कैसे अपने मनी इंक्रीमेंट कर सकें, तो इसके लिए समझिए। एक लाइन में आपको बताएंगे, जो अभी बृहद रूप से बताए हैं उसको तो आपको करना ही करना है, परंतु तीन प्रभाव जो है जो छोटे रूप में आपको बता देते हैं। चतुर्थ भाव है तो आप जहां पर जन्म आपका हुआ है उस स्थान से थोड़ा धूल ले आइए, क्योंकि मातृभूमि का धूल चतुर्थ भाव है, तो उस भाव आप वहां जा नहीं सकते, तो वहां से एक धूल ले आइए, थोड़ा सा धूल, और धूल ला करके अपने घर में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, और संभव हो तो उसे रखिए पश्चिम दिशा पे, शनि का स्थान है, शनि की मनौती पूर्ण हो गई, आपका धन क्रिएट हो जाएगा। अगला अष्टम भाव है, अष्टम भाव है गुप्त विद्याओं का। आप कोई एक ऐसा अपने जिस कार्य में है उस कार्य में आप ज़्यादा रिसर्च कीजिए, आपको रिसर्च करने के लिए कहा जा रहा है, तो रिसर्च करना कोई बड़ा कार्य नहीं है, आप जिस कार्य में हैं उसमें और डूबिए बस। आप मान लीजिए ऑलरेडी आप पांचवें माले पर हैं, तो एक थोड़ा सा प्रयास कीजिए तो छठे माले पर पहुंच जाएंगे, तो आपका प्रयास छठवें माले का रहेगा, परंतु आपके ग्रह आपको ले जाएंगे साठवें माले तक। ये होता है अपार धन यहाँ से दिलाने वाला ये स्थान, और वो दिन दूर भी नहीं होगा जब 600 माले पर आपका ये ग्रह आपको ले जा करके खड़ा करेगा। अब 11वें भाव को आपको एक्टिवेशन में लाना है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे यही वो स्थान है जहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं जहाँ पर कार्य करते हैं, तो लोगों से जुड़ करके जहाँ पर सोशल सर्कल, जहाँ पर सामाजिक कार्य हो तो समाज में जुड़ना है आपको, और जहाँ पर गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनसे, जो लेबर वर्ग के लोग हैं उनसे जुड़ करके उनका हेल्प करने का प्रयास कीजिए, और इस हेल्प मात्र से आपका एकादश भाव इम्प्रूव हो जाएगा ये भाव, और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मनी आपको प्राप्त होगा, आपके पैसे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि ये भाव आपका एक्टिवेशन में आ गया। उम्मीद है आप सभी मकर राशि मकर लगन के लोग इसे समझ पाए होंगे, यदि आपने इसे समझा और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके मेरा आत्मबल भी बढ़ाइएगा, ताकि भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचते रहें। पुनः आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।